आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथों का किया गया निरीक्षण। गाजीपुर के जमानिया नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद के संवेदनशील तथा अति संवेदनशील प्लस बूथों का उप जिलाधिकारी भारत भार्गव के साथ तहसीलदार तथा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अब्दुल सबूर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर 25 वार्डों में भ्रमण कर जाना हाल। बताया जा रहा है कि नगर पालिका परिषद के सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारी को लेकर गुरुवार को SDM भारत भार्गव व तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा तथा पालिका ईओ के साथ कोतवाली प्रभारी वंदना सिंह के साथ संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के बारे में जानने के लिए नगर कस्बा के प्राइमरी स्कूल दुरहिया बुद्धिपुर जिया मेमोरियल स्कूल मकतब इस्लामिया स्कूल हरपुर प्राथमिक विद्यालय तहसील मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तथा स्टेशन बाजार स्थित बनाई जाने वाली बूथों पर पहुंचकर जाना वहां के बारे में निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तथा होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुसार तथा जिले के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चुनाव को हर हाल में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बूथों का निरीक्षण किया गया। भारत भार्गव ने कहा कि संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों पर ज्यादा गड़बड़ी होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसी को रोकने के लिए भ्रमण कर जाना हाल। इस अवसर पर पालिका ईओ अब्दुल सबूर राहुल विजय शंकर राय के अलावा तहसील कर्मी उपस्थित रहे। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।